हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो दोस्तों सावधान हो जाइए, बहुत बुरी खबर आ रही है कुवैत में रहने वाले इंडियन के लिए और बाकी देशों के लिए, लेकिन ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है इंडिया वालों को। तो दोस्तों क्या सावधानी रखनी है, क्या है न्यूज़, किस तरह की न्यूज़ है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो कुवैत की पल पल की अपडेट पल पल पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी वाला बटन दबा दो। तो दोस्तों कुवैत की बात करते हैं हम। कुवैत में देखिए दोस्तों, आज की डेट में जो स्ट्रेंथ आई है बीमारी से फैलने वाले या मरने वाले, ठीक होने वाले या क्या होने वाले, सबकी डिटेल आ गई है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, इसमें इंडिया की हालत कितनी ख़राब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सावधान होने के लिए आप देखते रहिए। टोटल केस अभी तक 2614 आ गए हैं दोस्तों, आज की डेट में 215 केस आए हैं। आज की डेट में 1986 केस अभी भी है जो बीमारी से ग्रसित है। आईसीयू में 60 लोग आईसीयू में पड़े हुए दोस्तों देखिए, और 613 लोग ठीक होकर घर चले गए, लेकिन 15 लोग उतने लकी नहीं थे, वो लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, देखिए 215 लोग जो नए केस आए हैं, 215 केस, उसमें मतलब 215 केस में से 7 तो कुवैती है जो यूनाइटेड किंगडम घूम के आए थे, उनको इन्फेक्शन हुआ है दोस्तों, वो पॉजिटिव केस आया हुआ है। बाकी 215 में से 198 लोग वो है जो इन्फेक्शन वाले पर्सन के साथ, इन्फेक्शन वाले आदमी के साथ टच में आए, उनको छुए, उनका या कुछ भी जो हुआ उनकी वजह से बीमारी फैला, ऐसे 198 लोग हैं। और 198 में से तो 85 लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय है, इंडियन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया है, कुवैत गवर्नमेंट ने, कि यहाँ बीमार होने वालों की ज़्यादा संख्या, जो इन्फेक्शन फैल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा इंडियन है, इजिप्शियन और बांग्लादेशी है दोस्तों। आज देखिए दोस्तों, 85 तो इंडियंस है, 8 कुवैती है, 25 बांग्लादेशी है, 31 जो है इजिप्शियन है और 25 पाकिस्तानी है, बाकी 5 नेपाली है। इस तरह से केस हैं सभी के। हालांकि 85 केस आए हुए आधे से भी कम है, आधे से कम है दोस्तों, लेकिन फिर भी काफ़ी मामला गंभीर रहता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं आईसीयू में जो 60 लोग हैं उसमें 27 तो काफ़ी सीरियसली है दोस्त, काफ़ी सीरियस है, और 33 लोगों की हालत स्थिर है। आज एक डेथ हुई है, डेथ होने वाला बांग्लादेशी नागरिक था। तो आप लोग इस अपना जो हेल्थ है उसको सुधार लीजिए दोस्तों, गवर्नमेंट जैसे बोलती है वैसे कीजिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, एक दूसरे से इन्फेक्शन फैलने या फैलाने से बचिए दोस्तों। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए।